हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने सिस्टम में टैली कैसे इंस्टॉल करके चलाया जाता है। मैं पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इससे टाइम शेड्यूल हुए आप देख सकते हो। पहला, यह एक इंडियन सॉफ्टवेयर है, यह एक पेड सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन टैली ERP.9 एजुकेशनल वर्जन आप डाउनलोड करके फ्री में चला सकते हो। लेकिन आप वाउचर बनाते समय यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय आप सिर्फ 1, 2 और 31 डेट को ही काम कर सकते हो। अलग डेट में वाउचर नहीं बना पाओगे। बस उसको छोड़ के बाकी सारी फैसिलिटी इस फ्री वर्जन में मिल जाएगा। आप अगर उसको ख़रीदना चाहते हो, 1 साल के लिए आपको 7,200 देना पड़ेगा। ये विदाउट GST है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको डाउनलोड करते हैं। आपको पहले कोई भी सर्च इंजन में आपको टाइप करना है डाउनलोड टैली ERP 9 एजुकेशनल वर्सन। यहाँ पर देखिए जो पहला जो आया है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए उसका पहला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है डाउनलोड उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा डाउनलोड चालू हो रहा है। देखिए ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको जो बंदा पाए अपनी दुकान में या फिर बड़े बड़े मॉल में उसको यूज़ करना चाहता है, वो खुद उसको सीख के वो भी चला सकता है, ठीक है। अगर कोई जॉब की आशा में उसको सीखना चाहता है तो वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, मैं उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल, इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है। 8-10 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट टैली प्राइम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एक कुछ टाइम लगा, उसके बाद एक खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपका बहुत सारे मोड आ जाएगा। पहला लिखा है एक्टिव लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हो तो यहाँ पर उसको एक्टिव कर सकते हो। अगर आपके पास है उसको रिएक्टिवेट करना चाहते हो यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप उसको रेंटल में लेना चाहते हो तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क उसको क्लिक करना है। अगर आप फ्री एजुकेशनल वर्जन आपको यूज़ करना है तो पहला नंबर पर उसको क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद आपका वो आ जाएगा। देखिए ये आपका टैली आ गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला काम है क्रिएट कंपनी, आपको पहले कंपनी क्रिएट करना है। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अगर आप यहां से एग्जिट करना चाहते हो तो यहां पर क्रॉस के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आपको यस कर देना है। देखिए यहां पर मेरा डेस्कटॉप में टैली का आइकन आ गया है। अगर नहीं आता है तो यहां पर आपको सर्च करना है टैली, यहाँ पर आ जाएगा, उसको ओपन कर देना है। आप जब भी ओपन करेंगे आपको पहले ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है। आपको फ्री वर्जन में क्लिक करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं।
और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। धन्यवाद।